हेलो, हेलो, हेलो। कौन? सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम राकेश भाई, जी। राकेश बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं कल फोन किया था आपको। मैं कैसा नायगांव साइड में रहता हूँ। कहाँ साइड में? कौन से साइड में? मुंबई मुंबई नायगांव। नायगांव साइड में रहते जी। बोलिए बड़े भाई। वसीम भाई आप बोल रहे हो? हाँ, वसीम भाई बोल रहा हूँ। जी मैं वसीम भाई बोलिए। कल भी आपसे बात हुई, कैसा ये एरिया में कैसा नेटवर्क मिलता नहीं है जल्दी। जी, कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि मैं आपको कल कॉल भी किया था रिटर्न। आप कल मेरे को कॉल किए थे कल, मैं हाँ कैसा इधर पे नेटवर्क मिलता नहीं, इसकी वजह से ना मैं मेरा कल मैं नीचे उतरना पड़ता हम लोग। कैसा मतलब, मैंने कहा यहाँ से हम लोग को 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है तब जाके नेट मिलता है। जी जी दो ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 किलोमीटर समझ लो नीचे हाँ हाँ उतरना। समझ रहा हूँ मैं। आप पहाड़ की तरफ रहते हैं मतलब? हाँ, वो साइड में। अच्छा, तो आप अभी नीचे आके बात कर रहे हो? आपका घर ऊपर है? हाँ, मेरा घर ऊपर कैसा ये नायगांव साइड में। जैसा आपकी आपकी आप भी मुंबई में रहते हो ना, मैं मुंबई में रहता हूँ, सेंटा क्रूज में रहता हूँ बड़े भाई। आप सांता क्रूज में रहते हो। मैं भी पहले बांद्रा में रहता था भाई, बांद्रा बैंड स्टैंड में। जी तो पहले अभी कैसा वहां से फिर मैं घर छोड़ के या नायगांव में रहने आ गया। वहां का घर मम्मी डैडी ने भेज दिया मेरे यहाँ रहते। हाँ, बेच दिया मतलब गरीबी में बेचना ही पड़ता है भाई। हाँ, तो अभी कैसा हमारा गांव में भी घर था, हम लोग का यूपी में गांव है मेरे माँ बाप लोग का। जी तो वो लोग कैसा गांव में शिफ्ट हो गए, मेरे माँ बाप जो थे तो गांव में शिफ्ट हो गए। मैं कैसा मैं मुंबई में रहता हूँ, अपना एसी मेरा एयर कंडीशनर का बिजनेस है, अच्छा छोटी सी दुकान है मेरी एसी अच्छा की। तो उससे मेरा काम, मैं संभाल समझ लो बांद्रा तक तो मेरा काम नहीं जाता है, बोरीवली से लेके विरार तक का काम मैं संभालता हूँ। मेरा उसने काम उतना ही, मेरा काम अंदर का चलता है। माशाल्लाह। तो उतना काम मैं करता हूँ, एक छोटी सी दुकान है बस खाली। और माँ बाप जो मेरे है तो वो लोग गांव में है, जी तो वो लोग अपना गांव में रहते हैं। वो भी आयो, अब पहले तो फैजाबाद नाम था, लेकिन वो योगी ने क्या नाम रख दिया अभी उसका, अयोध्या नाम रख दिया वो जी स्टेशन का। हाँ तो वहां पे तो कैसा आपका वीडियो मैं इतना देखता था ना, मैं तो मैं जब भी देखता था आपका वीडियो तो मैं बहुत बड़ा आप मतलब समझ लो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मैं आप जब भी बात जो भी करते थे माशाल्लाह एकदम हद की बात करते थे भाई, कभी ऐसा नहीं कि मतलब के कोई बुरी बात करते थे आप। भाई। देखो ये अल्लाह का फजलो करम है, जबान सबके पास है, दिल तोड़ना बहुत आसान बात है। मेरे को आपका दिल एक जोड़ना कहना था कि जिसको आता है ना आप, वो महान है। हाँ आप जो बोलते हैं ना मुल्लों की बात, ऐसा करते हैं ना आप कि बोले मैं तो गरीबों का गरीबों का ऐसा करके आप बोलते थे ना कि मैं उनका पीएम हूँ। वो बात आपकी सुन के ना मेरा दिल इतना खुश होता था, मेरे शरीर पे ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे भाई आपकी इतनी बात सुन के मेरी। अरे वसीम भाई, बोलते ना कि अगर तुम दिल से कोई बात रखोगे ना किसी के सामने तो वो असर रखती है। तब मेरे ना कसम से बता रहा, जब भी आपका वीडियो आता है ना, मैं आपका जब भी वीडियो देखूंगा ना, तो जहां आपने कुछ ऐसी बात कर दी मेरे से ना शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं खाली आपकी बात सुन के। क्या आप कब इतना से फॉलो कर रहे अच्छा, आप? हाँ कब से फॉलो कर रहे आप? अरे बहुत पहले से मैं बात को बता रहा हूँ। एक देखो एक बंदा और था, दिल्ली का एक बंदा था, अब जी उसको भी आपने रिप्लाई किए थे। वो दिल्ली का कोई था एक बंदा, अच्छा ही नाम था उसका। अभी तो मैंने ये पहला यूट्यूब के अंदर देख देख के ना मेरा दिमाग इतना इतना दुख होता था मेरे को देख देख के, कि मुसलमान लोग के बारे में इतना सब बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो मेरी एक वाइफ है, मेरी वाइफ मेरे को क्या बोलते थे, बोले देखो वसीम ये सब चीज मत देखो, आप देखते हो ना तो आपका दिमाग खराब होता है, एक काम करो ये सब चीज आप देखना छोड़ दो। तो फिर मैं जब से छोड़ना मैं देखना ही छोड़ दिया, फिर मैंने औरत मेरा छुड़ा दी मेरे को मेरी वाइफ ने। फिर मैं अभी फिर वापस बीच में फिर मैंने चालू किया, अभी बीच में ये हिजाब का मामला चालू हुआ, फिर अभी अजान का मामला चालू हुआ जो देखो ये मेरे। परेशान है ना, हर मुसलमान उम्मते मोहम्मदिया है। हाँ ये बात से हर उम्मते मोहम्मदिया परेशान है कि ये हमारे कौम को लेकर 7 साल से क्या चल रहा है। वही मैं बता रहा हूँ ना बहुत ज्यादा हो रहा आपको, है ना, 7 साल, 8 साल से। मैं बता रहा हूँ भाई। लेकिन मैं फिर भी मैं आपको ना थोड़ा एक सजेशन मतलब एक ऐसा मतलब बोलूँ ना, मैं मेरे दिल की आपको बारीक बताना चाह रहा हूँ मैं। नहीं सोल्यूशन नहीं है मेरी मेरी औरत वैसा बोल रही, सोल्यूशन बोलो मेरी जी वाइफ। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मैं मेरे दिल की आपको बात बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगेगा तो आप बोलना हाँ वसीम भाई आप सही बोल रहे हो, अगर गलत लगेगा तो आप बोलना गलत बोल रहे नहीं, हो। बोलिए वसीम भाई। मैं क्या बोल रहा, देखो अभी आज के टाइम पे मैं इतना वीडियो देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखता हूँ मैं,
जी अपने वीडियो मैंने ऐसा देखा था, क्या बोलते हैं, एक एक लड़की ने अपना एक दो दिन ओवैसी से ये सवाल पूछी थी कि बोले हर एक मुसलमान आतंकवादी क्यों नहीं, आतंकवादी क्यों होता है। ठीक है, आज के टाइम पे भाई मैं तुमको बता दूं, आज के टाइम पे माहौल क्या है ये बता दो, हर कोई इंसान मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा है, जितने सबको टारगेट नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कर रहा है ना। फिर अब बता दो तुम मेरे को, अब मेरे ऐसा जो इंसान अगर यूट्यूब पर देखता होगा, तो ये इंसान देख देख के अगर पक के अगर आतंकवादी बन जाए, तो ये आतंकवादी कौन बनाएगा, हिंदू ही बनाएगा ना आतंकवादी अपने लोग को। हाँ यही तो प्रॉब्लम है ना बड़े भाई। कैसा है मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ मैं जब इस्लाम के अंदर आया ना, और मेरी वाइफ बोले आपको सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, भाभी को बोलो कि देखो कैसा है ना, मेरी बात को समझो। हाँ हमें तो मुल्लों ने लूटा, पंडितों में कहाँ दम था। यही डायलॉग आपका बहुत पसंद है मेरे को। हमारे देश के अंदर गरीबों की कश्ती जहाँ डूबी है ना, वहां पे मौलाना का इलम कम था। बराबर बोले आपने, हमारे देश की जो कश्ती डूबी है ना, वहां पे मौलाना का नॉलेज कम है। मौलाना का नॉलेज कम है, सही बोले आपने, मोदी जी के पास में तो नॉलेज ही नहीं है, सही बात बोले आपने। समझ हाँ में आ रहा है। नॉलेज कॉलेज में भी नहीं है, नॉलेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में है। कुरान में बराबर बोले ठीक आपने। है, अब मैं जब वो कुरान पढ़ा ना, तो मेरे को दुनिया की हकीकत समझ में आई। ठीक है, सही बात है। मगर वो आधी हकीकत थी। अब 20 साल बाद, आज 20 साल बाद है ना, हाँ बोलो आप बोलो। 20 साल बाद है ना, समझ में आया मेरे को दूसरा हिस्सा, समझ रहे। हाँ एक इंसान इसलिए इस्लाम कबूल कर लेता है क्योंकि वो सच्चा होता है, तो वो ओके मान लेता अल्लाह को कि अल्लाह ही है रब और कोई नहीं। ठीक है, बराबर एक ऐसे इंसान होते हैं, लेकिन एक दूसरे इंसान होते हैं जो इल्म के साथ में आते हैं। समझ में आ ओके रहा है, हाँ मतलब हर सवाल का जवाब जब तक मिल ना जाए, हाँ आज के डेट के हर सवाल के जवाब जब तक हमको ना मिल जाए, तब तक हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, सही बात बोले आपने, ये बात समझ सही। रहे हैं, हाँ समझ गया मैं तो आपकी बात। हमको आज के डेट के सारे सवाल के जवाब मिल गए, इसलिए हमने इस्लाम कबूल किया। हम दूसरे तरीके से आए हैं, हम दूसरे तरीके से है, सही बात समझ है, में सही आया। दो तरीके से इस्लाम कबूल करते हैं लोग, एक बात। अल्लाह ही रब है मान लिया इसलिए हाँ कबूल कर लिया, हाँ कबूल कर लिया, सही बात है और आपकी। एक दूसरे होते हैं कि अल्लाह ही रब है ये हम जान गए इसलिए हमने कबूल कर लिया। कबूल कर लिया, मानना और जानना बहुत फर्क होता है। सही बात है। मानना बोले तो मतलब तुम दिल में कुछ ईमान नहीं रख रहे हो, खाली ऐसा बोल दिए कि अल्लाह रब है हमारा, हाँ अल्लाह है रब है, मगर कोई अगर तुम्हारे ना, सामने इस्लाम का दुश्मन आ गया तो तुम्हारी बोलती बंद। बोलती बंद। समझ और में तो आया। जानना बोले तो आप जैसा बता रहे हो, जानना बोले तो जब मैंने ये चीज जान लिया हो, तो उसके हाँ सामने कितना भी वो दुश्मन आ जाए, तुम अपनी गर्दन कटा दोगे, लेकिन तुम कुछ झुकेगे नहीं। नहीं, हाँ ये बात गैरुल्लाह है, के सामने झुकेगे नहीं, राइट। नहीं झुकेगी, बराबर हाँ, तो ये है ना हर मुसलमान के अंदर है, शिया सुन्नी वहाबी, या ये सुन्नी वहां। तीनों के अंदर है, लेकिन हाँ इनको है ना इस्लाम के अंदर है ना किस तरीके से है ना बेवकूफ बनाकर फिरकों में बांट दिया, ये दज्जाल ने बांट। फिरकों में बात है, बस खाली इसके वजह से तो आज अपना इस्लाम इतना मार खा रहा ना भाई। तो हम न्यू मुस्लिम लोग फिरके में थोड़ी आएंगे, समझ रहे। हाँ हम ना शिया बनेंगे, ना सुन्नी बनेंगे, ना सऊदी परस बनेंगे। हम बनेंगे तो अल्लाह के दीवाने तौहीद परस बनेंगे। खाली मुसलमान बनेंगे हम बस। सिर्फ मुसलमान बनेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से ही मांगते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे बस खाली। समझ रहे आप, हाँ समझ गया मैं आपकी बात। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ कर उसकी हिफाजत करने का जिम्मा एक हाँ जमात का है, जमात समझ का, रहे मैं आप। भी 4 महीना भाई जमात में जाके आया हूँ नहीं, आज। मेरी बात सुनो वसीम भाई, हाँ ये जो 4 महीने वाली जमात है ना, ये तो अभी अभी शुरू हुई है, आप समझ रहे। 100-150 साल हुआ, हाँ 100-150 साल हुआ, बराबर बोले तबलीगी आप। जमात की बात कर रहा हूँ तबलीगी जमात की बात आपको, ये मैं आप देखते तबलीगी हैं। जमात का समझ जाओ कि हम तबलीगी जमात के खिजर अलैहिस्सलाम है, समझ रहे। मैं आपको बताऊँ ना, मैं सुन्नी हूँ, मैं दरगाह को मानने वाला इंसान हूँ मैं, जी लेकिन कैसा मालूम तुम्हारे को, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ कि मैं दरगाह को भी मान रहा हूँ, प्लस जमात में भी जाके मैं आया हूँ, मैं दोनों को मानता हूँ।
जी बड़े भाई, तो कैसा है ना, क्या? मेरा ऐसा मानना कि जो कुरान में मिलेगा हम वो बात मानेंगे, और वो जो बात कुरान से टकराएगा हम वो बात छोड़ देंगे। हाँ वो छोड़ दोगे आप, समझ रहे आप? बराबर बोले तो आपने। हम रिसर्च करके आए ले, तो रिसर्च करके आने के बाद में आप अगर हमको कोई सजेशन दोगे ना, तो हाँ हम वो ले लेंगे अगर हमारे काम का हो। ठीक है, बराबर आप कोई सही। एडवाइस दोगे, कोई राय दोगे, कोई मशवरा दोगे, उस बात को हमारे को सुनना पहले जरूरी है। सही मानना नहीं मानना वो बाद में की बात वो है। बात की बात है, बराबर बोले आपने। तो हमारे मौलाना लोग जब हम सजेस्ट करते हैं ना कि मौलाना आप ये गलती कर रहे हो हाँ कि फितने फसाद आसमान से बारिश की कतरों की तरह उतर रहे हैं, हाँ और हम कौन से फितने की हिफाजत में लगेंगे? ये बात भी सही है। कौन से हमारी बहन बेटियां कॉलेज में जा रही है 12वीं का एग्जाम देने के लिए, तो वो हिजाब पहन के जा रही है, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। सही बात है। हाँ, तो अभी हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते अगर हम हिजाब पहनेंगे तो, राइट? अब एक ये भी बात चल रही है, बोले अगर तुमको पढ़ना है तो हमारे मदरसे में पढ़ो हिजाब पहन के, हमारे कॉलेज हमारे स्कूल कॉलेज में मत आओ। हाँ, तो हमको जरूरत नहीं ना, हमको ऐसा मदरसा खोलना पड़ेगा जिसमें दुनियावी तालीमात भी मिले। अभी मेरे को एक बात बताओ भाई, राकेश भाई आप, अभी मैं यूपी का रहने वाला इंसान हूँ, अयोध्या राम जी मंदिर है क्या? पहले हाँ हमारा अयोध्या मंदिर था, अयोध्या मस्जिद था वहाँ पे, अभी हाँ राम मंदिर वहाँ बन गया, मैं वो जगह का रहने वाला इंसान हूँ मैं। जी आज वहाँ क्या चल रहा है पता है आपको? वहाँ पे ना आज भी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज रमजान का माहौल चल रहा है, लेकिन फिर भी जिस दिन हमारा अफ्तारी का मौका आता है ना, मेरी माँ, मेरा बाप या मेरे पिताजी, जैसा मैं बाप को इज्जत जी करता हूँ, जी वहां पे ऐसा माहौल चल रहा है कि जहां मेरा अफ्तारी का टाइम होता है, जहां अजान होती है ना, वहां जी पे ये लोग ना शादी का मंडप लेके आ जाते हैं, और डीजे, गांव में कैसा डीजे ज्यादा बजता है शादी का सिस्टम, तो हाँ मुंबई के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन गांव में ऐसा सिस्टम है, तो जी 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 जहां अगर अजान हुई वहां ये लोग डीजे बजा देते हैं, और डीजे बजा के रोजा लोग अगर दिन भर का जो रोजा रखे हुए वो लोग ऐसा डीजे में, जहां अजान हुई वही टाइम पे ये लोग डीजे क्यों स्टार्ट करते हैं बता दो। हाँ तो अभी मैं तुमको बताता हूँ। देखो, ये जो हिंदू धर्म के अंदर हाँ हमारे मुसलमान कौम के रोजेदार को रमजान के पाक महीने में, पवित्र महीने में जो परेशान कर रहे ना, हाँ ये हिंदू नहीं है, लोग नेताओं के गांडू है। हाँ बराबर बोले आपने। समझ रहे हैं आप? हाँ लेकिन नेताओं धर्म के नहीं काम सिखाता है, सुनो, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आपस पैर करना इंडिया ने, हम बराबर है, अपन इंडिया ने भाई। समझ रहे हैं, हाँ अपने हम धर्म इंडियन सारे भाई बहन है, समझ रहे हैं, हाँ इंडिया ने, हम वतन है इंडिया हमारा, समझ रहे हैं। ये हमारा बराबर हिंदुस्तान बोलता है कि हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम बोलेगा कि मियाँ भाई हम, वतन है पाकिस्तान हमारा। इसमें है ना, नहीं डॉक्टर बाबा राव भीमराव नहीं बाबा नहीं साहब भाई, अम्बेडकर है ना, अपना अपना इस्लाम भी ये चीज सिखाता है कि अपन जो देश में रहते हैं वो देश पे अपन हक ईमान बन के रहे उसके जी लिए। वसीम भाई। तो हमारा ये क्या है ना, हमारा ऐसा रिसर्च है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि भैया तुम जहां पे भी रहो हाँ पुलिस बन के रहो, चोर नहीं। चोर बन के मत रहो, सही बात है, ये भी बात सही। मगर जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हाँ मुसलमानों की जिंदगी में आ गई आंधी। आंधी, क्या बात बोले मेरा भाई समझ रहे, आज के एकदम जब आज के साथ। से तुम्हारा असली पैसा सुन्नती पैसा दिनार और दिरहम, हाँ सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का, ये जब से कागज का बना ना, से तब से गरीब मुसलमान हर इंसान की जिंदगी में आंधी आ गई। आंधी आ चुकी है, सही बात बोले आई आपने, बात समझ में? और समझ वो पैसे के लिए ईमान को बेच रहा है। ईमान तक को बेच देता है, सही बात है। ऐसे आई बहुत बात समझ में? मुसलमान है, मैं बता रहा हूँ राकेश भाई आपको, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस्लाम अपने दीन इस्लाम को ऐसा बेच दे रहे हो लोग, जैसे कि मालूम तुम्हारे को अभी बीच में आया था वसीम को, वसीम रिजवी या वसीम जी खान का जी भाई, जी जो जी बोला कुरान की 18 आयत को मिठा दो, बोले जी 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 आप भी सुने ही 26 और होंगे। 25, 26 आयत बोला था। हाँ वो सिया बोले, वो सिया था वो बंदा ऐसा बोला, तो वैसे ही मुसलमान लोग आज मुसलमान का नाम खराब कर रहे भाई। ठीक है, आज इतना पाक महीना है, मेरे घर के अंदर मैं बता रहा हूँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जहाँ मम्मी डैडी मेरे रहते हैं वहां पे, वहां पे सब मातम का माहौल है, वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हिंदू लोग मातम का माहौल है, मैं जानता हूँ ना भाई, हाँ फोन वहां आते पर रहते अरे मुझे।
ऐसा माहौल था। मैं आज भी आज शाम में मैं बात किया मेरे घर पे मेरी मम्मी डैडी ये से। सब आपकी मौलानाओं की गलती है बड़े भाई। आपके मौलानाओं ने आपको टाइम सही से नहीं बता। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कितना बज रहा है? 1 बज रहा है, एक बज रहा है रात राइट। के 1 बज रहे हैं, ठीक है। हाँ गड़बड़ देखो क्या हो गई है, मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। हिंदू हाँ और मुसलमान, सिख और ईसाई, ये हाँ चारों धर्म के जो धर्म गुरु है ना, वो सारे के सारे ब्रेन वॉश हो गए ले। तो सही बात आवाम का क्या होगा? आवाम तो कई काम से, समझ रहे हैं? आराम सही बात बोल रहे आप भी सही बात देखो बोल मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भेड़ बकरी चरवाने वाला है वही अगर टेढ़ा चला गया है तो सारे सारे भेड़ बकरी भी टेढ़े ही चले जाएगी, तोड़े चले जाएंगे। सही बात है, अगर समझ रहे तुम हैं? अच्छा बन के रहोगे तो कोई तोड़ेगा तुमको। अब मैं तुमको बता रहा हूं, अभी 1 बज रहा है। हाँ मान लो कि तुमको कोई अगर आदमी बोले कि 1 नहीं बज रहा है बल्कि 8 बज रहा है, ओके और तुमको है ना 3 बजे कहीं जाना है, किसी महापुरुष किसी बड़ी हस्ती से मुलाकात करने रात को, ओके ठीक है, हाँ उसने तुमको 8 बजे बोला तो कल हाँ पे तुम है सही ना और 2 घंटा आराम से बैठ गए, बात है सही ठीक है। मतलब 3 बजे जाने का है ना, अभी तो 8 बज रहा है, बज रहा बराबर बोले और मैं उस पे भरोसा किया इसलिए मैंने, उसने 8 बोला तो मैंने मान लिया, समझ रहे? हाँ समझ गया मैं। लेकिन हकीकत 8 नहीं बज रहा था, 2 बज रहा था, 2 बज रहा था। 1 बज रहा था, अभी 1 बज रहा है ना। अच्छा मैं आपको लगता है था 1 बजे फोन किया था आपको दिक्कत हो गई क्या भाई? नहीं कुछ भी नहीं यार असीम भाई, तुम इतना ज्यादा मत सोचो, इतना ज्यादा सोचने का तो फोन ही नहीं उठाता मैं। आपको एक ही बात बताओ आपको भाई मेरा मैं क्या गरीबों का पीएम हूँ, चौबीसों घंटा तैनात रहता हूँ अपने गरीबों की सेवा में। ये मेरा डायलॉग आपको बहुत पसंद है। मैं गरीबों का पीएम हूँ करके आप जो बोलते हैं ना वीडियो के नहीं अंदर। वसीम भाई, ये मैं जो बोलता हूँ ना, मैं डंकी की चोट पे बोलता हूँ। डंकी की चोट पे बोले तो खुलेआम बोलता हूँ, बिंदास बोलता हूँ, तुम इसको मजाक में ले सकते हो लेकिन गलत नहीं लेना, झूठ नहीं है ये। मैं क्या बोला देखो भाई मैं 100% आपको बता रहा हूँ। मैं आपको लाइक करता हूँ आपको फॉलो करता हूँ मेरा भाई इसलिए बड़े आप भाई खाली लाइक और फॉलो से क्या होगा, मैं तो अपनी जिंदगी पैसे पानी ये सब छोड़कर तुम्हारे दीन तुम्हारे उम्मते मोहम्मदिया को बचाने के लिए आया, कौन सपोर्ट किया मेरे को? मैं जेल गया तो कोई नहीं सपोर्ट किया भाई आपको। वो टाइम पे मैं भी आपके कांटेक्ट में नहीं था भाई। आप अभी आप बोले आप सांता क्रूज में रहते थे जी ठीक है। आप सांता क्रूज में ईस्ट में रहते थे वेस्ट में रहते थे? ईस्ट में क्योंकि गोलीबार आता है। ईस्ट में गोली बार आता है, वेस्ट में जू गार्डन आता है, तो हम वेस्ट में अच्छा रहते थे जू गार्डन के पीछे। जू गार्डन के पीछे रहते थे आप? हाँ अभी ओके भी मैं जू गार्डन के पीछे रहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि देवबंदी देवबंदियों की मदद करता है, शिया शिया की मदद करता है, सुन्नी तो सुन्नी की मदद करता है, वही चीज है ना भाई। देखो मैं एक इंसान ऐसा हम हूँ रिवर्ड मुसलमानों की कौन मदद करेगा बड़े भाई? अभी ये टाइम पे तो ये चीज है यही चीज तो मुसलमान के अंदर खराबी है ना भाई। नहीं अगर हम जान देने को तैयार है तो हमारे लिए अनाज देने का पानी माल अरे देने का बंदोबस्त कौन करेगा? वही बात है ना मेरा भाई। अभी मान लो अगर कोई इंसान कोई मुसलमान के लिए आवाज उठा रहा है कमेंट जी लिखने से कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो मैं भी इंसान हूँ मैं भी तुम्हारा फॉलो करता हूँ ठीक है मगर मैं राइट। जेल जाऊंगा, लाठी खाऊंगा, चलो मैं लाठी खा लूंगा अल्लाह के लिए, तुम्हारे गरीब हाँ लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, सही बात लेकिन वो जेल से बाहर निकलने के लिए पैसा जो लगता है वो कहाँ से आएगा? सही बात है ना भाई। अगर कोई इंसान किसी मुसलमान के लिए या कोई किसी के धर्म के लिए अपने ही धर्म के लिए अगर आवाज उठा रहा है बंदा अब तुम लोग कमेंट में देखो मेरी बात जहां तक मैं तुमको आप बता रहा आप बोलो सही बता रहे तो बोला हाँ वसीम भाई आप सही बोल रहे हो ठीक है। मैं बोलता हूँ आपने आप यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल चलाते हो आप जो भी बात करते हो हक की बात करते हो राइट। जी अगर कोई इसी बात आपकी ऐसे लग जाती है टेढ़ी मेढ़ी आप अगर तो जेल चले गए ठीक है तो कमेंट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस जो बंदे ने जो वीडियो बनाया है ना उसकी तुम मदद करो ना वो चीज के ऊपर फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? वही चीज है ना भाई। देखो कॉन्फिडेंस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। वही चीज में ना अभी मान लो आज आज आपके पीछे कम से कम समझ लो 10,000 लोग हैं कल के पीछे आप लोग के पास आपके पीछे 1 लाख हो जाएंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस आगे बढ़ जाएगा। तो जी मेरे पीछे 1 लाख और लोग है मैं अगर जो भी बात बोलूंगा जितनी भी बात करूंगा हक की बात करूंगा मेरे पीछे 1 लाख है ऐसा आप डायरेक्ट अभी कॉन्फिडेंस में आप रहोगे।
ठीक है ना भाई राकेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी पहले आपके लिए कमेंट करता था, लेकिन मैंने आपका नंबर क्यों मांगा, आपने मेरे को नंबर भी दिया, ईमानदारी से आपने अच्छे से नंबर अपना दिया, अब मैं फोन लगाया और आपकी आवाज सुना भी तो मेरे को यकीन हो गया कि हाँ भाई राकेश भाई एकदम दिल के आदमी है और एकदम अच्छे आदमी है, तभी मेरा अपना नंबर भी उनको दे दिए, मेरे एक बात बोलने पर दे दिए। भाई, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, समझ रहे? अरे आप हीरो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये क्या बोलते, बोले नंबर बोले तो कोई ऐसा अलता भलता तो नहीं मांग रहा, लेकिन फिर भी आपने मेरे को नंबर दिए, वही मेरे दिल में बहुत एकदम मेरे को बहुत हम अच्छा गरीब लगा। लोगों को पहले पोजीशन पे रखते, अमीरों को सेकंड पोजीशन पे रखते। सही बात है भाई, हमको ऐसा लगा कि कोई गरीब मुसीबत में तो नहीं है, नहीं नहीं समझ भाई रहे बड़े भाई वसीम भाई? हमको हाँ क्या मालूम भाई आप कौन हो, खाली नाम पड़ा वसीम है, भाई को हमसे समझ बात गया, करने का है, बहुत अर्जेंट बात करने का है, तो आपने बात किया है 20 दिन बाद। 20 दिन नहीं हुआ भाई, कम से कम नहीं बोले तो 1 हफ्ता हुआ लगभग, मैं तुमसे नंबर मांगा हूँ तब से, आप बोल के 20 दिन बात किया, कल भी मैं आपको फोन किया, लेकिन कैसा यहाँ पे ना जियो का नेटवर्क पकड़ता नहीं है जगह जी पे। जी मैं समझ गया ना, मेरे को भी कुछ नहीं मालूम ना आपकी जिंदगी के बारे में, मैं तो आपको देखा भी नहीं हूँ, तो फिर भी हम सामने वाला अगर राकेश भाई देखो कुछ भी रहेगा ना, मैं तुमसे मुलाकात भी करूंगा सांता क्रूज में आके, ठीक है, इंशाल्लाह। आपका जो वीडियो होता है, आपकी जो बातें होती है ना भाई, मैं बता रहा हूँ दिल में फॉलो करता हूँ मेरा भाई आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जबान में वो तासीर दिया है, वो चीज बोलने का तासीर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, इसके लिए आप लोगों के दिल में ना, चलो ठीक है, एक के भी दिल में अगर आपने तासीर बचा ली है ना, तो समझ लो आपके दिल में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा आपके जबान में तासीर दिया है अल्लाह ने, अब एक इंसान मैं हो गया, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, एक इंसान तो मैं हो गया, आपकी बात सुन के, मैं आपकी हर एक चीज सुन के ना, मैं आपका एकदम समझ लो ना, मैं एकदम फैन, एकदम ऐसा बोलते हैं ना जैसा सलमान खान शाहरुख खान जैसे फैन होते हैं ना, वैसा मैं आपका फैन हो गया हूँ, मैं सलमान शाहरुख को तो तेल लेने के लिए, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया, हर एक के नसीब में नहीं आली बन जाना। हाँ तो मैं आपका ही बहुत बड़ा फैन हूँ मेरा भाई, और जहां तक उम्मीद होगी ना मेरा भाई, मैं खुदा ना अल्लाह अगर मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मैं और मिलूंगा भी आपसे, और जहां तलक कुछ भी ऐसा रहेगा दुख तकलीफ जैसा भी कुछ रहेगा ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में जुड़ के रहूंगा भाई, और मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपसे फोन किया आपसे, और इसके लिए तो मैं सिम आपसे नंबर भी मांगा भाई। भाई, हमें है ना ये पॉलिटिशियन लोग है ना हिंदू और मुसलमानों को मरवा देंगे, हाँ और उसके बाद में जो बच जाएगा ना उनको हम समझा देंगे समझा देंगे, सही बात है, कि इस्लाम जितना काटोगे ये उतना बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा। इस्लाम को गाली देने वालों, मौत के बाद में अपनी बचने की तैयारी तो कर लो। सही बात है, वही बात है मेरा भाई, इसके लिए मैं देखो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इसके लिए मैं में आपका ना नंबर, मंदिर बनाना चाहते हैं अल्लाह का, महादेव का मंदिर तो बहुत बन गया, अब अल्लाह का मंदिर बनाइए, समझ हाँ रहे आप? सही बात बोला आप भी, हाँ, ऐसे इंसान है कि हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा हमारे लोगों को। सही बात है, हमारे पास में नॉलेज है, अगर नॉलेज है, हमारे सही बात पास में नॉलेज है नहीं भाई, होती मैं आपकी यही बात पे तो लीडर ज्यादा बनने फिदा का हूँ आपकी सपना नहीं देखते। राकेश भाई, आपकी यही बात पे तो फिदा हूँ, आप डायरेक्ट बोलते हो मेरे पास नॉलेज है और आओ और मेरे से आके डायरेक्ट बात करो, ये चीज सुन के तो मैं ज्यादा फिदा हूँ आपके ऊपर मेरा हमारे भाई, पास में कौन सा नॉलेज है? हमारे पास में महादेव के प्रकोप से, महादेव के गुस्से से बचने का नॉलेज है। अरे भाई आपके पास दीन इस्लाम का भी नॉलेज है, प्लस महादेव की बात करो उसका भी नॉलेज है, महादेव की अरे बात, महादेव अल्लाह ही है, महादेव और कोई महादेव है नहीं, मंदिर में नहीं मिलेगा तुमको, कुरान में मिलेगा महादेव रब्बुल आलमीन के नाम से। अब देखो आपको ज्यादा नॉलेज है उस चीज के अंदर, मैं थोड़ा कम महादेव है दिमाग ना, हिंदू लोग पूरी दुनिया का देव जितने होते हैं ना उन सबका देव महादेव, समझ सही बात है, रहे? यहाँ पे भी अल्लाह के वली बहुत है, सही बात है, इन सबका मालिक अल्लाह है, समझ सही बात है। रहे? तो अभी एक इंटरव्यू मैंने और देखा भाई, मैं तुमको बात को इंटरव्यू के सुनो बारे में भाई, बताऊं, एक इंटरव्यू के अंदर क्या बोला, बोले जैसे मान लो जैसे अपनी अजान होती है अल्लाह अकबर करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह करके अजान होती है, तो एक बंदा न्यूज वाला जाना पहचाना है, मैं तुमको उसका वीडियो भेजूंगा, मैं देखना आप यूट्यूब के ऊपर, आपको अपना व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं आपके, वो जी बड़े भाई, क्या बोला कि बोले हम लोग अगर अपने भगवान की पूजा करते हैं तो हम तो हमारी मंदिर में करते हैं, और ये लोग दिन के 5 टाइम तक
अपने अल्लाह के बारे में बताते कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, जी राइट। ये जी चीज लोग करते हैं, बोले उसके अंदर एक न्यूज वाली चैनल वाली ने उससे पूछी, बोले तुमको अजान से तकलीफ है कि अजान का लाउड स्पीकर फास्ट होता है? बोले मेरे को अजान से नहीं, मतलब जैसा मान लो तुम कि बोले ऐसा मान लो तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा प्यार करता है, बोले तो अगर जी तुम तुम्हारे पापा की तारीफ क्या तुम्हारे दुनिया को जाके सुनाओगे तुम कि मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं? उसने ऐसा एग्जाम्पल दिया उसको न्यूज अच्छा, वाले चैनल वाली को। ये कैसा है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए मोमिनो, मुझे तुम दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबा सही बात है, सही इकराम ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? बात है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो तुम्हारे जो दो जबड़े के बीच में जो जबान है ना, हाँ हक है मेरा भाई, और जो जो टांगों के बीच में जो सामान है ना, वो सही बात दोनों चीज की गारंटी दे दो। क्या बात है बहुत इंसान तगड़ी है ना, बात इंसान को महादेव के कानून की सख्त जरूरत है, समझ रही है? इंसान अगर खुद से पैदा होकर अपने मन मर्जी का जिएगा तो वो फितने फसाद ही फैलाएगा और जहन्नम में ही जाएगा। जहन्नम में जाएगा, सही बात बोले भाई मेरा, एक नंबर मेरा भाई। तो वो अल्लाह के कानून को अरबी में शरीयत बोलते हैं, हाँ ठीक है, जो तालिबान ने नाफिज करने की पूरी कोशिश ठान लिया है, समझ हाँ रहे? तो हाँ मैं तुमको बोल रहा हूँ, जमीन किसकी है? अल्लाह की है अल्लाह की जमीन है भाई, ना, और किसकी जमीन की अल्लाह की है। तो हिंदू बोलता महादेव की है, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ। अपने को लड़ने की जरूरत नहीं। लड़ा रहा कौन है? मोदी जी। मोदी लड़ा रहा, कौन लड़ा? जब से ये सरकार 2014 से जो ये सरकार आई है ना भाई, तभी से हिंदू मुसलमान चल रहा है भाई। नहीं इससे पहला जब से 2014 से मैं देख रहा हूँ, मैं कभी ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है। 2014 के बाद में ही हम आए, उससे पहले हमको शौक नहीं था कि हम मुसलमान बने हैं, ओ लोगो हमसे मोहब्बत करो, ये सब हमारा शौक नहीं है। सही बात है, हमसे अल्लाह मोहब्बत करता है, इतना काफी है, समझ में आ रहा है? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरा भाई, हमने अल्लाह के दीन को कबूल कर लिया, मतलब अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हमने कबूल कर लिया, ठीक है। कबूल कर लिया, सही बात है, अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करता है तो हम एक हदीस भी याद नहीं रख सकते। नहीं याद रख सकते, सही बात है। आज आप भी देखो, आप भी कुरान पढ़े होंगे, हदीस पढ़े होंगे, तभी आपको पता चला होगा ना कि क्या चीज है, क्या आज सही है के और क्या डेट गलत है। में इस्लाम जो दीन इस्लाम, अल्लाह का धर्म जो है, तो खाली हाँ नाम बाकी रह गया है, मौलाना लोग ने कुछ भी छोड़ा नहीं इसका, सही बात है, समझ रहे आप? लेकिन मौलाना के अंदर मैं एक बात बताऊँ ना भाई, हर एक मौलाना वैसे नहीं होते हैं जैसा आप फरद बोलते हैं। मौलाना की बात कर रहा हूँ सब मौलाना की बात कर रहा था, मैं सारे मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के वली भी होते हैं मौलाना, हाँ मैंने वही। अल्लाह के वलियों से इस्लाम सीखा है, इसलिए वापस नहीं पलटा। अगर झूठों से इस्लाम सीखा होता तो शायद पलट गया होता। हाँ हकीकत बात, शायद क्या 100% पढ़ गए होते हाँ, आप, तो झूठों से इस्लाम नहीं सीखा है हमने, अल्लाह के वलियों से इस्लाम सीखा है, लिहाजा हमारे पास में अपने इस्लाम का अकीदा सही करने के लिए तुम्हारा दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मैं जरूर मेरा भाई, मैं तो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, बोलो तो तुम। अरे मेरे लिए जान मत दो, तुम जान दो तो गरीबों के लिए दो। और गरीबों के लिए बात छोड़ दो मेरा भाई, मैं क्या बोला तुम्हारे को, तुम हक की बात करते हो ना, अगर आगे चल के तुम्हारे को अगर मेरे को ऐसा सुनने भी आ गया तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पीछे मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप बोलते हो ना। मेरे लाइफ में ना, मैं मुसलमान होने के बावजूद भी मैं किसी से जंग नहीं कर रहा हूं, मेरा जंग ना पानी से है, गरीबी। अरे बाबा देखो मैं कैसा बोला आपको भाई, आप किसी से जंग नहीं कर रहे हो, आपकी जो वीडियो देखता हूँ ना मैं, आप कभी भी, राज ठाकरे ने भी जो अजान के बारे में बोला, जी लेकिन आपने आपका मैंने वीडियो देखा भाई, वो वीडियो के अंदर भी आपने राज ठाकरे से इतने प्यार से भी बात की हो, प्लस थोड़ा नफरत भी दिखाया हो लेकिन प्यार भी दिखाया आपने। लेकिन एक मुसलमान कैसे होते मालूम क्या, जैसे मालूम मुसलमान होते और प्लस मुल्ला होते तो वो लोग नफरत क्या बात करते पता है आपको, अगर ये बात निकलेगा तो सीधा नफरत की बात करते, लेकिन की बात आप नहीं करने का ना, हमको समझ में आता है ना कि राज ठाकरे को धर्म नहीं पता है। हाँ जब लेकिन बच्चे आपने को कैसा धर्म बात ही नहीं किया, पता है तो बच्चे को समझाया जाएगा या भड़का जाएगा? तो वही चीज के वजह से तो भाई मैं आप पे एकदम, मतलब मैं एकदम आपको फॉलो करता हूँ ना ये चीज पे कि आप हमको आना अपना, पड़ा वसीम भाई, आप जैसे लोगों को बचाने के लिए।
अरे मेरा भाई, बहुत मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरा भाई, आप है ना जिंदगी भर तक सलामत रहो हम जैसे मुसलमान लोग के लिए, आमीन सुम्मा आवाज आमीन। आता देखो है समझे। हमने जब पहली बार वीडियो बनाया था ना, हमने अल्लाह से दुआ किया था, अल्लाह से तेरी रजा के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ लोगों को। अल्लाह तो मेरी बात है ना, कोने कोने तक पहुंचा दे। वीडियो देखे होंगे तो आपको भी